वायरस के कारण पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में कैद हो गए, जिसके चलते सरकार और प्रशासन लोगों को खाने पीने के साथ जरूरी चीजें मुहैया कराने में जुटा है। वहीं लोग कोरोना वायरस से अपनी सुरक्षा करने के लिए मास्क, सैनिटाइजर आदि से कोरोना वायरस से खुद का बचाव कर रहे हैं। वहीं सूबे के जनपद अमेठी में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जो दिल को झकझोर कर देने वाला है। दरअसल ये पूरा मामला अमेठी जिले के मुसाफिर खाना कस्बे का है, जहां सड़क पर दो बच्चे अपने सिर पर कूड़ा लाद कर ले जाते दिखाई दिए, जिन्हें देखकर हमारे संवाददाता ने उनसे बात की तो उस दौरान कूड़ा बिनने वाली एक बच्ची गीता ने बताया कि वह जगदीशपुर की रहने वाली है और वह स्कूल भी जाती है। उसके पिता नहीं है, इसलिए वह भोजन जुटाने के लिए लॉकडाउन में भी कूड़ा बिनने को मजबूर है। कहाँ की रहने वाली है गीता? जगदीशपुर की। पढ़ने जाती हूँ। ये क्या करके लौटी हूँ? बीन के। क्यों बीनती हो कूड़ा? बीना बना तो खाओ कैसे? पापा क्या करते हैं? पापा नहीं ना।